रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शरीस मॉम किचन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन चाइनीज़ टिक्का बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिससे बनाना बेहद आसान है। डबल फ्लेवर आपको मिलेंगे इसमें, आपको चाइनीज़ राइस का फ्लेवर भी आएगा, टिक्के का भी आएगा और बिरयानी का तो आएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 kg के करीब बोनलेस चिकन लिया है और मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसमें अदरक और गार्लिक पेस्ट डाल दिया है। पाउडर मसालों में सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ क्रश रेड चिली, 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टीस्पून 1.5 टीस्पून इसमें ये कुटा हुआ जीरा है, और 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून के करीब इसमें मैं डाल रही हूँ सुरख मिर्च पाउडर है जो, और 1/2 टीस्पून के करीब इसमें काली मिर्च जाएगी, 1.5 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं डाल रही हूँ कुटा हुआ सूखा धनिया, तो ये ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही इसमें 2 से 3 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल डाल दूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाइनीज़ टिक्का बिरयानी बना रही हूँ तो इसको इसमें मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसमें जाएगा ये हमारा योगर्ट, योगर्ट के साथ अच्छा फ्लेवर आएगा, टेस्ट बढ़ जाएगा। और इसमें तकरीबन मैं 1 टेबल स्पून के करीब इसमें डाल दूंगी सिरका, आप चाहे तो लेमन जूस भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप मैरिनेट कर सकते हैं। मेरे पास चूंकि टाइम नहीं है तो मैं इसे मैरिनेट नहीं कर रही, मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसे अब मैं कुक करूंगी। यहाँ पे देखिए मैं चिकन को मैरिनेट तो नहीं किया लेकिन फौरी मैंने रख दिया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो यहाँ पे देखें जो योगर्ट हम लोगों ने डाला था उसने अपना पानी रिलीज़ किया है, तो साथ साथ हम लोग भूनते जाएंगे, लेकिन ये जो चिकन है इसमें थोड़ा सा पानी और डालते हैं। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 1/2 ग्लास के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए, और मुझे इसमें कुकिंग ऑयल कम लगा था तो स्टार्टिंग में मैंने 2 टेबल स्पून डाला था लेकिन मैंने 2 टेबल स्पून के करीब और डाल दिए, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के करीब मैं कुकिंग ऑयल डाल चुकी हूँ। कवर करेंगे और इसे 4 से 5 मिनट में गला लेंगे। देखिए चिकन हमारा ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है, और यहाँ पर मैंने कोयले का भी टच देने के लिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के जल्दी से इसे बंद कर देंगे ताकि स्मोकी फ्लेवर चिकन में आ जाए। एक पैन में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लेके उसे मैंने गर्म कर लिया, और 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें जिंजर का पेस्ट ले लिया चॉप किया हुआ फ्रेश लीजिएगा। गार्लिक पेस्ट जो है ये हमारा तकरीबन लाइट ब्राउन हो चुका है, यहाँ इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस, और इसमें अब जाएगा 1 टेबल स्पून के करीब चिली सॉस, क्योंकि इसमें हम लोग चाइनीज़ राइस का भी टच देंगे तो इसलिए इसे लाजमी ऐड करेंगे। इसमें जाएगा सिरका, और अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे ये वेजीज। मैंने तकरीबन 2 बड़ी गाजरें ली थी जिसे मैंने इस तरह से चॉप कर लिया, आप अपनी मर्ज़ी से किसी तरीके से भी इसे कट कर सकते हैं। और 1 प्याली के करीब इसमें मैंने डाल दिए हैं मटर, अब इनको हम लोग भूनेंगे, और इसमें मैं 1 टीस्पून के करीब डाल दूंगी ब्लैक पेपर भर के, और इसके साथ ही इसमें जाएगा नमक, लेकिन नमक यहाँ पे आपने क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी क्योंकि सॉसेस में भी नमक होता है, तो यहाँ पे तकरीबन मैं 1 टीस्पून के करीब इसमें डाल रही हूँ नमक, और इसकी भुनाई करेंगे। तो सर्दियों में वेजिज़ जो हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए, थोड़ी कॉस्टली ज़रूर है लेकिन कोशिश करें कि आप अपनी रूटीन लाइफ में वेजिज़ को इस्तेमाल करें। और यहाँ पे मैं तकरीबन 5 से 6 साबुत हरी मिर्चें डाल रही हूँ, अब इसे थोड़ा सा और फ्राई करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 1/2 कप के करीब पानी, और वेजिज़ को गला लूँगी, पानी ऐड करेंगे और इसे 5 से 7 मिनट हम लोग गला लेंगे दम पे। और इसके साथ ही ये इसमें मैंने थोड़े से आलू वो भी ऐड कर दूँगी, मैंने तकरीबन 2 बड़े आपने लिए हैं आलू, आप अपने हिसाब से वेजिस को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे भी साथ ही हम लोग सॉफ्ट कर लेंगे। यहाँ वेजिस में मैंने 1 टीस्पून के करीब क्रश रेड चिली ऐड कर दी, आप अगर इसे स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज बेशक आप ना करें। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कनौर का चिकन पाउडर, आप चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के मैंने डाला है इसमें। तो स्टीम पे जो हम लोगों ने अपनी वेजीज रखी थी उसे चेक कर लेते हैं, तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खुशबू के साथ 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 ये गल चुकी है,
शिमला मिर्च डालेंगे, क्योंकि अगर शिमला मिर्च को पहले डाल देते तो इसका क्रंच खत्म हो जाना था। इसे बस हम लोगों ने ऑन द स्पॉट डालना है। और यहाँ पे मैंने एक बड़ी शिमला मिर्च ले ली थी और बंद गोभी का फूल लिया था हाफ, जिसे मैंने बारीक इस तरह से चॉप कर लिया है। तो ये देखिए, इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है हम लोगों ने। तो इन वेजेस को तकरीबन मैंने 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छे से पका लिया। बस इसका जो भी पानी है वो ड्राई हो जाना था। ये वेजेस हमारी गल चुकी हैं, अब इसे हम लोग एक साइड पे कर देते हैं। तो साथ ही हम लोग चावल बॉईल कर लेते हैं। मैंने तकरीबन 3 लीटर के करीब पानी लिया है, आप खुला पानी लें। और जिसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें ज़ीरा है, काली मिर्च है, लौंग है और बादियान के फूल हैं, बड़ी इलायची है और दालचीनी है। तो ये सारे स्पाइसेस इसमें ऐड करूँगी और इसके साथ ही इसमें जाएंगी ये 3 से 4 साबुत हरी मिर्चें और इसके साथ ही थोड़ा सा इसमें सब्ज़ धनिया भी ऐड कर देंगे और 2 टेबलस्पून के करीब इसमें नमक डाल देंगे और इसे बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पे देखे पानी में बॉयल आ चुका है और मैंने यहाँ पे 1 केजी के करीब लिए थे बासमती राइस, जिसे मैंने 15 मिनट पहले साफ़ करके भिगो दिया था। अब इसे इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखे इन चावलों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे चावल डालते ही पानी का टेम्परेचर डाउन हो चुका है। अब हम लोगों ने जब तक इन चावलों में बॉयल नहीं आएगा तब तक टाइम नोट नहीं करना। जैसे ही चावलों में बॉयल आएगा फिर टाइम नोट करेंगे कि कितने मिनट आपने इसे कुक करना है। यहाँ पे देखें बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो इस पॉइंट पे हम लोगों ने तकरीबन 5 से 6 मिनट इसे बॉयल करना है, या आपने इतना बॉयल करना है ये 70 to 80% डन हो जाए। तो मैंने चावलों को स्ट्रेन कर ली है, राइस की हम लोग लेयरिंग कर रहे हैं यहाँ पे देखें मैं सारी वेजीज ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो हम लोगों ने टिक्का मसाला बना के रखा हुआ था, इस सारी बोटियों को इस तरह से ऐड करेंगे। तो ये जी बहुत मज़ेदार हमारी चाइनीज़ टिक्का बिरयानी। बाकी बिरयानियों को भूल जाएंगे आप, बाकी के राइस ऐड कर देंगे और इसे और मज़ेदार बनाने के लिए मैं थोड़ा सा माजरीन ऊपर ऐड कर रही हूँ। आप करना चाहे तो कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं या देसी घी भी आप डाल सकते हैं। और फाइनली इसमें जाएगा जर्दा कलर। चलें जी, फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है। अब इसके ऊपर हम लोग कर देंगे कवर और इसे 20 मिनट के लिए इस बिरयानी को हम लोग दम पे छोड़ देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, हम लोग अपनी बिरयानी को चेक करते हैं। चलें जी, माशाल्लाह से देखिए, आपने बिरयानियाँ तो बहुत खाई होंगी। ये चाइनीज़ टिक्का बिरयानी, ऐसी बिरयानी जब एक दफ़ा बनाएंगे माशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी, बहुत डिफरेंट टेस्ट है। बिरयानी के साथ साथ आपको फ्राइड राइस का तो जायका मिलेगा, लेकिन जो टिक्के का फ्लेवर है वो भी इसमें आएगा। तो इसकी फाइनल लुक मैं दिखाती हूँ आपको। चाइनीज़ टिक्का बिरयानी आपने ट्राई करनी है। शहरिस मॉम किचन को आपने सब्सक्राइब करना है। मेरी वीडियोज़ को फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। आम रूटीन की आप अगर बिरयानी पुलाव से फेटअप है तो ये एक बिल्कुल न्यू स्टाइल की बिरयानी आपने जरूर बनानी है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।